हेलो एवरीवन वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट इस वीडियो में हम लोग इडी करेंट और इडी करेंट लॉस को देखेंगे व्हेन ए कंडक्टिंग सीट इज प्लेस्ड इन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जब कंडक्टिंग सीट मींस कंडक्टर कंडक्टर का जो बना होगा सीट उसको जो है जब रखा जाता है प्लेस किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड में अकॉर्डिंग टू फाराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल से क्या होता है जब कोई कंडक्टिंग सीट को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है एन ई एम एफ इज इंड्यूस ऑन द सर्फेस ऑफ दीट सीट के सरफेस पे जो है ई एम एफ इंड्यूस होगा मीन्स वोल्टेज जो है वो इंड्यूस होगा ई एम एफ इंड्यूस होना शुरू करता है जब कोई कंडक्टिंग सीट को बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में प्ले रखा जाता है तो फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या होता है ई एम एफ इंड्यूस होता है उस कंडक्टिंग सीट के सरफेस पे एट द पॉइंट वेयर द रेसिस्टेंस ऑफ द पाथ इज लो ऐसा पॉइंट जहां पे रेसिस्टेंस क्या होगा कंडक्टिंग सीट जो है उसका रेसिस्टेंस कम होगा मीन्स प्रतिरोध क्षमता कम होगा रेसिस्टेंस ऑफ द पाथ इज लो ए करेंट स्टार्ट फ्लोइंग जहां पे क्या होगा रेसिस्टेंस ऑफ द पाथ जो होगा रेसिस्टेंस कम होगा वहां से क्या होगा करेंट जो है स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा करेंट स्टार्ट फ्लोइंग करेंट जो है स्टार्ट होना शुरू करेगा जहां पे प्रतिरोध क्षमता जो है उसका कम होगा जहां पे रेसिस्टेंस जो होगा पात का लो होगा वहां से करेंट फ्लो करना शुरू होगा और ये जो करेंट फ्लो होना शुरू होगा उसी को हम लोग ईडी करेंट बोलते हैं मीन्स जब कोई कंडक्टिंग सीट को भैरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो अकॉर्डिंग टू फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन एक ई एम एफ इंड्यूस होता है ठीक है आ, एम e एफ e जो है इंड्यूस होता है ऑन द सर्फेस ऑफ द दीट एट द पॉइंट ऐसा पॉइंट पे जहाँ पे रेसिस्टेंस ऑफ द पाथ जो है लो होता है मीन्स जहाँ पे कंडक्टिंग सीट का जो है रेसिस्टेंस लो होगा वहाँ से करेंट जो है स्टार्ट फ्लो होना स्टार्ट कर देगा और वो जो करेंट फ्लो होता है उसी को हम लोग ई डी करेंट बोलते हैं और इसके कारण क्या हो जाएगा जब करेंट जो है फ्लो करना शुरू होगा करेंट जो है फ्लो करना शुरू होगा तो क्या होगा एनर्जी का लॉस होगा और ये जो इनर्जी लॉस होता है ईडी करेंट के कारण उसी को हम लोग करंट लॉस बोलते हैं जब फ्लो करेगा तो क्या होगा इनर्जी का लॉस होगा और ये जो इनर्जी का लॉस होगा ईडी ड्यू टू ईडी करेंट ईडी करेंट के कारण जो एनर्जी का लॉस होगा उसी को हम लोग ईडी करेंट लॉस बोलते हैं इसी को हम लोग एडी करेंट लॉस बोलते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच